मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं और राजेश गोयल जी का सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या रेंटल इनकम निवेश के लिहाज से बेहतर विकल्प है क्या? नहीं, मैं प्रश्न नहीं सुन पाया। रेंटल इनकम, जो रेंट से इनकी इनकम आती है, क्या वो निवेश के लिए बढ़िया विकल्प है? क्या उसको भी एसेट एलोकेशन के तौर पे देखा जा सकता है? जैसे मैंने कविता बताया कि मैं रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट क्लास अप्रूव नहीं करता हूँ। और अभी तक क्या था कि आपको टैक्स आर्बिट्राज मिलता था, मतलब आपको अगर कोई प्रॉपर्टी लेट आउट की है तो उस पर जितना इंटरेस्ट पेमेंट करते थे वो आपकी रेंटल इनकम के सामने डिडक्शन मिलता था। अभी आपको सिर्फ 2 लाख तक का ही लॉस सेटअप कर सकते हैं, तो अभी टैक्स आर्बिट्राज